तो एक ही नेता बचा सकता है, वो है तेजस्वी। और पहले चरण में 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं राजद के लोग, और 4 पर हमारी जीत की संभावना है। इसे देखते हैं कि अपने माँ मरती है तो बाल नहीं मुड़ाते हैं और हिंदू के सम्राट बनते हैं। मोदी जी की माँ मरी थी तो बाल नहीं मुड़वाए और हिंदू के सम्राट बनते हैं हम। और लालू प्रसाद गए तो 3,000 करोड़ खाता में डाल करके गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद हो चुका है और बिहार की राजनीति भी काफ़ी गरमाई हुई नज़र आ रही है। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ विजय मंडल जी हैं, एमएलए हैं, आरजेडी से सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले चुनावी आगाज हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? अभी तो शुरुआत हुई है जी। पहला चरण का 19 तारीख को चुनाव है जी। और पहले चरण में 4 सीट पर हम लोग लड़े हैं राजद के लोग, और 4 पर हमारी जीत की संभावना है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी का। नवरात्रे चल रहे हैं और कल का दिन में उन्होंने मछली खाई है, जिसपे इस बार सत्ता पक्ष बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? हम ऐसे देखते हैं कि अपने माँ मरती है तो बाल नहीं मुड़ाते हैं और हिंदू के सम्राट बनते हैं जी। मोदी जी की माँ मरी थी तो बाल नहीं मुड़वाए और हिंदू के सम्राट बनते हैं। हम हिंदू के सम्राट नहीं हैं, हम सबके सम्राट हैं, हम सबको सम्मान चाहते हैं। और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, कल का है या पहले का है, ये हम नहीं कह सकते हैं। और हो सकता है कि खाए हो, पहले उसमें हम उसमें टिप्पणी, उसका जवाब वो देंगे, तेजस्वी जी देंगे। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव को धर्म से और जात से जोड़ करके जो देखा जा रहा है, काश ये लोग 10 साल की अपनी उपलब्धि बताते कि मैंने ये उपलब्धि किया है, इसलिए हमको वोट चाहिए। आज भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो केवल लालू नाम जपते हैं, लालू के नाम पर, लालू ने ये किया, लालू ने वो किया। लालू ने नहीं किया तो आप आए, लालू किया रहता तो आप नहीं आते। और लोगों को भ्रम था, जिस समय लालू प्रसाद आए थे उस समय बिहार ओवरड्राफ्ट में था, और लालू प्रसाद गए तो 3,000 करोड़ खाता में डाल करके गए। वो तो कहते हैं कि 2000 पहले का बिहार अलग था, 2005 का बिहार अलग है। एकदम सही बोल रहे हैं। अब बोलते हैं कि 2005 से पहले क्या था? 7-7 विश्वविद्यालय किसने बनाया? अनेक जिला, अनेक अनुमंडल और प्रखंड किसने बनवाया? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किसने बनवाया? आपका राजा बाजार से लेकर के आपका स्टेशन तक दलितों के लिए घर किसने बनवाया? तो ये अपनी बात नहीं कहते हैं। लालू प्रसाद ने क्या किया? लालू प्रसाद ने सामाजिक समरसता को जगाया, जो सत्ता से वंचित थे उसको सत्ता का स्वाद दिया। और आप जब आए तो न गरीब, यह राज सामंतों के ग्रिप में आपने दे दिया। आज क्या है बिहार में? प्रखंड से जाइए सचिवालय तक, प्रखंड में भ्रष्टाचार, प्रखंड में भ्रष्टाचार, जिला कार्यालय में भ्रष्टाचार, सचिवालय में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है। और आप कह रहे हैं कि क्या है? उस समय आपके गिने चुने अफसर हैं जिनको 4-4 प्रभार आप देते हैं। आपको बिहार के अफसरों पर विश्वास नहीं है। बिहार के जो ईमानदार अफसर हैं आज किनारे हैं और चंद लोग इस सत्ता को चला रहे हैं। तो मेरा ये सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप है कि मुख्यमंत्री का दिमाग काम नहीं कर रहा है और उसे गलत कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो 4,000 से भी पार करवाएंगे मोदी को, ये बयान देते हैं तो उनका दिमागे काम नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। उनसे कराया जा रहा है और बिहार आज के स्थिति में गर्त में है। इस गर्त से केवल एक नेता उबार सकता है तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने रोजगार का जो जगाया है, आज मुख्यमंत्री भी कहीं जाते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, इससे पहले कभी रोजगार की बात करते थे? और आज भी जा रहे हैं तो फिर यही बात बोल रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था? अरे यार, 2005 से पहले कुछ नहीं था तो आपको लाया गया, आपने क्या किया? हम कह रहे हैं कि 2005 से पहले हमने जिला बनाया, अनुमंडल बनाया, प्रखंड बनाया, सचिवालय बनाया, क्या नहीं हमने किया?
तो हमने अपना विकास किया, हमने गांव गांव में बिजली दिया, हमने रोड बनवाया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 66,000 करोड़ एक कलम से इस राज्य को दिया। आप जब जब मोदी से हटते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, और मोदी के साथ चले जाते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा भूल जाते हैं। तो आप केवल बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सजग लोग यहाँ से, ये धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती रही है, जगदेव प्रसाद की धरती रही है, अनुग्रह नारायण की धरती रही है, जिन लोगों ने सामाजिक समरसता जगाने का काम किया। ये धरती समाजवादियों का रहा है, जहाँ जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मामा बालेश्वर दयाल जैसे पुरोधा समाजवादियों को यहाँ पर से एमपी बनाने का काम किया, यहाँ से भेजने का काम किया, और समाजवादी धारा को मजबूत करने का काम किया। नीतीश कुमार की उपलब्धि गिनी जाएगी कि उन्होंने आरएसएस के गोद में बिहार को दे दिया। नीतीश कुमार की गिनती गिनी जाएगी कि आपने अराजक स्थिति में बिहार को पहुंचा दिया। नीतीश कुमार की गिनती गिनी जाएगी कि प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार की गिनती गिनी जाएगी कि आपने चंद अफसरों को, जो जिस समय वोट की गिनती हो रही थी, जो कलेक्टर को, एसडीओ को फ़ोन करके प्रभावित कर रहे थे, उनको आपने सत्ता सौंप दिया है और वो लोग सत्ता चला रहे हैं। और इस राज्य का दुर्भाग्य है, राज्य को अगर बचाना है तो एक ही नेता बचा सकता है, वो है तेजस्वी। तो देखिए, बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, उसके बाद अब देखना होगा बिहार की 40 सीटों पर किसकी फतेह होगी। क्या वो महागठबंधन होगा या फिर वो एनडीए होगी। लगातार तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, मुकेश सैनी के साथ मछली खाते हुए। अब देखना होगा जिस तरीके से सत्ता पक्ष इस पर भारी नज़र आ रहा है, आगे क्या कुछ होता रहता है। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।